नमस्कार, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान से आए हुए सिटीजन्स को, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू लोगों को वह CAA के तहत सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यह सर्टिफिकेट दे रहे हैं CAA, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू लोगों को यह सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो केंद्र ने आज से सिटीजनशिप देना शुरू कर दिया। यह 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में उन्होंने किया है, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड। तो मंत्रालय का कहना है कि CAA जिन्होंने आवेदन किया था, एप्लीकेशन किया था वेस्ट बंगाल से, हरियाणा से और उत्तराखंड से, उन्हें सिटीजनशिप दे दिया गया है जांच पड़ताल के बाद। तो यहाँ पर चित्र में ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को यह सिटीजनशिप दिया जा रहा है। तो यह 14 लोगों को अब तक दिया गया, 14 लोगों को डायरेक्ट दिया गया है, यानी फिजिकली दिया गया है, और बहुतों को ऑनलाइन दिया गया है, डिजिटली दिया गया है। यह नहीं कि सिर्फ 14 लोगों को दिया गया है, 14 लोगों को फिजिकली दिल्ली में आकर उन्हें दिया गया है, और बाकी लोगों को ऑनलाइन दिया गया है, डिजिटली दिया गया है, ईमेल के द्वारा उन्हें भेजा गया है। सो ये अब भारत के नागरिक हैं। यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसके लिए बवाल मचा रहे थे विपक्ष, लेकिन यह केंद्र का मामला है, यह राज्य का मामला नहीं है। जितना भी यह बकवास करे, हमारे राज्य में हम नहीं होने देंगे, यह बकवास है। यह लोगों को बेवकूफ़ बनाने और लोगों को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में CAA नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह पूरा केंद्र का मसला है, यह राज्य का मसला नहीं है। तो जो भी आवेदन करेंगे उनको जांच पड़ताल के बाद केंद्र नागरिकता देगी। तो यहाँ 14 लोगों को डायरेक्टली हाथों में नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया गया, और बाकी लोगों को ईमेल द्वारा डिजिटली साइन नागरिकता दिया गया। तो अब ये बाहर से आए हुए हिंदू अब भारत के नागरिक हैं। सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 2019 दिसंबर में यह पास हुआ था। उसके बाद बहुत बवाल हुआ था, लेकिन ये दूसरे देशों से आए हुए, चाहे हिंदू हों, सिख्स हों, जैन्स हों, बुद्धिस्ट हों, पारसी हों, क्रिश्चियंस हों, जो बाहर से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से आए, एक्चुअली जो आ चुके हैं, या भारत से बहुत साल से रह रहे हैं, या काम भी कर रहे हैं, या आ भी रहे, लेकिन उनको नागरिकता नहीं है, यानी वो वोट नहीं दे सकते। तो ये वोट देने का अधिकार उन्हें दिया गया। यह नहीं कि अब ये आए हैं, ये बहुत पहले आ चुके हैं, बहुत साल से यहाँ पर है, लेकिन वह काम भी कर रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं, लेकिन उनको नागरिकता नहीं है, इसलिए वह वोट नहीं दे सकते। सो अब इन्हें नागरिकता प्रदान किया गया है, 14 लोगों को डायरेक्टली हाथों में सर्टिफिकेट, और बाकी लोगों को ईमेल द्वारा डिजिटली साइन सर्टिफिकेट ऑनलाइन दिया गया। तो ये अब भारत के नागरिक हैं और ये अब वोट दे सकते हैं। या केंद्र ने जो CAA एक्ट बनाया उसके तहत इन लोगों को नागरिकता दी जा रही है। और आप जो चित्र देख रहे हैं वह है पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है। तो यह CAA का मसला, जितना भी मुख्यमंत्री कहे कि हम अपने स्टेट में होने नहीं देंगे, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे हैं, वरना ये कर नहीं सकते। आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन, जांच पड़ताल होगा, आपको ऑनलाइन ईमेल में आ जाएगा। यह स्टेट का कोई काम ही नहीं है, आपको आवेदन करना है, जांच पड़ताल के बाद केंद्र आपको ईमेल से भेज देगा, आप ईमेल से डाउनलोड कीजिए, आपका नागरिकता हो गया। यह केंद्र कुछ कर नहीं सकता, ये बकवास करते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, यानी मुस्लिम वोट बैंक के लिए कहते हैं। तो यह पहली प्रक्रिया है जहां CAA के अंतर्गत नागरिकता देना शुरू हो गया है। जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया आज बहुत से लोगों को दी गई। यह 14 लोगों को हाथों में दिया गया और बाकी लोगों को ईमेल द्वारा भेजा गया। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।